हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल आईटीआई क्यू में। और चैनल है आईटीआई क्यू, इसमें हम आईटीआई का जो इंट्रोडक्शन देने वाले हैं, आईटीआई में कौन से ट्रेड होते हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं, स्कीम्स चलती हैं, इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, स्कोप क्या है आईटीआई का, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग उसका स्कोप क्या है, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो आईटीआई किसी भी ट्रेनी को क्यों करना चाहिए। ओके, बहुत बार लोग कहते हैं कि स्कूल करने के बाद में क्या फ़ायदा, कॉलेज करने के बाद में कुछ हुआ नहीं, उसने बीटेक कर लिया, उसने बीकॉम कर लिया, उसने एमए कर लिया, कोई नौकरी नहीं, कोई पेशा से कोई रोज़गार कोई नहीं, कोई धंधा नहीं। ओके, तो हम ये देखेंगे कि ज़्यादातर ये होता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में ज़्यादा जानकारी यूट्यूब पर या जो आम है वहाँ अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो आज हमारा प्रयास रहेगा, है ना, कि आपको छोटी जानकारी दें आईटीआई क्यों करना चाहिए किसी व्यक्ति के लिए, कौन सी इसमें विशेषताएं छुपी हुई है जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के करियर में यह महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। ओके, तो आमतौर पर या सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि जो आईटीआई है उसमें बहुत सारी धारणाएं बनी हैं कि भैया उच्च शिक्षा में जा नहीं सकते हैं, आईटीआई तक ही सीमित रहेंगे, फिर किसी को इंजीनियरिंग करना है वो क्या करेगा आईटीआई करने के बाद में, स्कूल छोड़ना पड़ेगा, बड़ी चुनौती थी पहले ये थी 14-15 के पहले कि बड़ी स्कूल को छोड़ देंगे तो फिर आगे ग्रोथ कैसे हो पाएगा। ओके, व्यवसाय जिसका है वही कर उसको ही करना चाहिए, जिसके यहाँ कोई वर्कशॉप है उसको ही करना चाहिए, ये मुद्दा था पहला, लेकिन अब वो सब कुछ बदल चुका है। देखिए आईटीआई किसी भी व्यक्ति को क्यों करना चाहिए, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या उसकी मजबूरी है, क्या उसकी अभिरुचि है, क्या उसकी रुचि है, ओके, या उसने पसंद किया है। तो अब मैं आपको बताऊँ कि अप्रेंटिसशिप के बारे में चर्चा करने वाले हैं यहाँ पे, उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, हालांकि जो विभाग का नाम है वो उद्यमिता विभाग ही हो गया आजकल, मतलब जो उद्यमिता मंत्रालय हो गया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस शिक्षा में पलायन करना, मतलब कि जो स्टूडेंट पहले शिकायत थी कि वो लोग नहीं आईटीआई ज्वाइन करते हैं तो स्कूल छूट जाएगा, मान्यता सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, अगर मिलता भी है तो आईटीआई भी आते हैं वो, स्कूल भी जाते हैं वो, कोचिंग भी करते हैं वो, इतनी सारी समस्या उनका समाधान कैसा क्या होगा, है ना। लेटर नौकरी पेशा कि आईटीआई करने के बाद में नौकरी है या नहीं है, तो शासकीय नौकरी है, गवर्नमेंट नौकरी, निजी प्राइवेट नौकरी, स्वरोजगार, बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट की समस्या इंडिया में चल रही है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही एक अच्छा मुद्दा बनता जा रहा है यहाँ पर। ओके, कई बार आपने देखा होगा कि वैकेंसी में इंजीनियर्स के पास में जॉब की एक कमी सी महसूस हो रही है ना, नितान सा पड़ा हुआ है, और जो डिप्लोमाधारी है वो लोगों उनको भी इंडस्ट्री वगैरह में कम प्रेफरेंस करने लगे हैं आजकल। तो क्या आईटीआई उस स्थान पर अपना एक रोल है वो प्ले कर रहा है, तो वो उसको देखेंगे आज हम, है ना। इसके अतिरिक्त हम कुछ ऐसे विषयों में भी चर्चा करेंगे, अच्छा लगेगा कि एक नई जानकारी आपको मिलेगी, नवीनतम जो सूचनाएं हैं वो आपको लग जाएगी। ओके, एनएससी लेवल 5 ये है, इसको भी देखेंगे, एससीबीटी एनसीबीटी का जो मामला है जो देखेंगे। सबसे पहले अप्रेंटिसशिप में आता हूँ, क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में जिस तरीके से आया था उसका उद्देश्य यही था कि जो 18 साल के जो ऊपर हैं उनको ले सकते हैं, लेकिन 18 साल से नीचे जो हैं उनको सरकारी नौकरी में नहीं रखा जा सकता, तो इसके लिए एक्ट आया था। और आईटीआई का जो है एडमिशन न्यूनतम से न्यूनतम 10वीं पास हो या 14 साल का अगर है तो वो एडमिशन ले सकता है आईटीआई के अंदर। ओके, तो ये जानकारी आपको लगी कि अब देखें कि जो अप्रेंटिसशिप है जिसको मैं हिंदी में कहता हूँ प्रशिक्षुता, क्योंकि जो स्टूडेंट आईटीआई में पढ़ाई करता है उसको हम कहते हैं प्रशिक्षणार्थी, कि प्रशिक्षण वो लेता है और अर्थी मतलब कि उसने लिया, तो ये चीज़। तो अप्रेंटिसशिप करने का आईटीआई उसने कर लिया है या उसने आईटीआई कर लिया है, ये सी बात कर रहे हैं हम। आईटीआई करने के बाद में उसको कौन कौन से लाभ मिल सकता है, फ़ायदा हो सकता है वो देखें। तो प्रायोगिक ज्ञान होता है अप्रेंटिसशिप का, होता मतलब ये होता है कि उसके प्रायोगिक ज्ञान, प्रैक्टिकल्स और एक्सपीरियंस जो इंडस्ट्री का होता है, जो कंपनी का होता है वो मिलेगा, प्रायोगिक ज्ञान हो गया। कार्य में कुशलता, क्योंकि आईटीआई में 2 साल का उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त किया है, अर्जित किया है, तो ओके, तो ये जो कार्य कुशलता है ना, उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो बढ़ेगी इंडस्ट्री में जाने के बाद, ये वो चीज़ है। तो कहाँ से होगी, कई बार सवाल होता है कि भैया घर से बहुत दूर है ना, सरकारी से करेंगे वो अच्छा रहेगा, प्राइवेट क्षेत्र से करेंगे वो अच्छा रहेगा। अब सरकारी जो है जिसमें कि एनटीपीसी हो गया, नोट प्रेस हो गया, भेल भोपाल वाला हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, ट्रांसमिशन कंपनी हो गई, वितरण कंपनी हो गई, पारेषण उत्पादन कंपनी हो गई, और निजी उद्योग में जैसे देखे बजाज, रिलायंस, है ना, और ढेरों जैसे कंपनी है, टाटा हो गया, तो ये जो निजी क्षेत्र की कंपनियाँ हैं वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अप्रेंटिसशिप कर सकता है 1 साल का। इसका फ़ायदा अभी देखेंगे क्या हो सकता है, क्या मिलेगा, मतलब अप्रेंटिस अगर उसने किया है तो उसे क्या मिलेगा। कई बार लड़के बोलते हैं कि साहब हम अप्रेंटिसशिप क्यों करें, हमको तो नौकरी करना है, है ना। वो देखेंगे कि अप्रेंटिसशिप करना और नौकरी करना दोनों में क्या अंतर है।
ATC नामक एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है जो प्रमाण पत्र होता है, NSE नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और एक अप्रेंटिसशिप ट्रेड सर्टिफिकेट, सॉरी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ओके, क्योंकि उसने ट्रेनिंग अर्जित किया है। तो ये कहाँ से मिलेगा तो आपको बताऊंगा कि आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा कि कौन कहाँ से मिलेगा, है ना, ये चीज़ हो गया। अन्य लाभ, इसके अन्य लाभ क्या हो सकते हैं, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करने के बाद कहीं ना कहीं लाभ मिलना चाहिए, तो भी व्यक्ति करेगा, फ्री में तो कोई करेगा नहीं, राइट। तो इसका अन्य लाभ है, छूट मिलती है सरकारी सेवाओं में, जैसे मान लें कि रेलवे की नौकरी आ रही है, कभी कभार जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है ना, जो उद्यम होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे, तो उसने 20% रिजर्व करके रखा है जिन्होंने भी अप्रेंटिसशिप किया है रेलवे विभाग के अंदर, ओके, तो ये वहाँ पे छूट मिलती है। लेकिन हम हर बार हर समय दावा नहीं कर सकते हैं किसी भी कंपनी में किसी भी स्थान पर कि सरकारी नौकरी में कि हमें वहाँ पे छूट मिल जाए, और ये चीज़ लगभग प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए भी लागू होती है कि वो आप दावा नहीं कर सकते हो, अगर उसने रिजर्व करके रखा है कि भैया जो अप्रेंटिसशिप करेगा हम उसी को उसी के आधार पर हमारे यहाँ पर नियुक्ति देंगे, तो ये चीज़ हो सकता है। वो ये फ़ायदा है यहाँ पर कि आपने अप्रेंटिसशिप किया, और ये जो अप्रेंटिसशिप होता है ना, इसका आवेदन कहाँ से आएगा इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या अप्रेंटिसशिप या फिर जो कंपनी में प्लेसमेंट ड्राइव वो भी होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अवधि कितने साल का होगा, तो ये होता है 1 साल का। मैंने आपसे जैसे कहा कि 18 साल से जिसकी उम्र कम है, 18 साल से जिनकी उम्र कम है उनको ये कर लेना चाहिए, क्योंकि 18 साल के ऊपर के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कोई भी सेवा में नौकरी कहीं पर भी नौकरी या फिर जॉब वॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए अलाउ नहीं करता है उद्योग विभाग, है ना, तो ये चीज़। स्टाइपेंड मतलब कि प्रशिक्षु वृत्ति, तो प्रशिक्षु वृत्ति मिलेगा, अब कोई इंडस्ट्री में कार्य कर रहा है 1 साल का तो फ्री में कार्य नहीं करेगा, उसे वो जो इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोनों मिलकर के कुछ उसे स्टाइपेंड देती हैं जो वेज के रूप में, तो ये उनको मिलता है ना, तो ये चीज़ है कि उनकी जो पॉकेट मनी है उसका भी समाधान हो जाता है, ये स्टाइपेंड हो गया। कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत ये सब कुछ मिलता है, बिल्कुल लीगली है, जो अप्लाई के समय सैलरी बढ़कर ही मिलेगी, कोई भी छात्रा या कोई भी ट्रेनी ये नहीं चाहेगा कि जब वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो उसकी सैलरी किसी से ज़्यादा कम ना हो, ओके। जब आप जॉब अप्लाई करते हैं तो आपको सैलरी बढ़कर ही मिलता है, मान लीजिएगा आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया 15,000 रुपये मिल रहा है सभी को, लेकिन आपने अगर अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आपको कम से कम 5,000 रुपये बढ़कर ही मिलेगा, है ना, कुछ परसेंटेज में रहता है शेयर, तो स्टार्टिंग से आपको बढ़कर ही मिलता है। तो ये एक चीज़ बड़ा लाभ है कि हमें अप्रेंटिसशिप क्यों करना चाहिए, है ना, तो ITI करने के बाद में आपको आप ये सब चीज़ें करते हैं तो ये इसकी विशेषता हो गई। आगे चलें, पोर्टल, ये जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल सर्विस, ये जो पोर्टल है इस पर हम आवेदन करके अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, यदा कदा हमारे पास में आता ही रहता है, हमारे पास से तात्पर्य कि पेपर में न्यूज़ में आते ही रहता है कि यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, सरकारी संस्थानों से आता है, निजी संस्थान है उनकी बाध्यकारी है सरकार तरफ से कि आपको अप्रेंटिसशिप में रखना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स को, तो वो लोग भी रखते हैं, आसपास के जो क्षेत्र जहाँ निजी कंपनियाँ ज़्यादा विकसित हो गई हैं, ओके। आगे चलते हैं जॉब, तो जॉब आप नेशनल कैरियर सर्विस है, तो 2015 में इसका एक पोर्टल बनाया गया था, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, एक कॉमन सी सामान्य जानकारी थी जनरल नॉलेज के हिसाब से। आगे चलें, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमशीलता, उद्यमशीलता ऐसा व्यक्ति जो हमेशा तत्पर कार्य करने को तैयार रहता है ना, उसके हमेशा विचार कुछ ना कुछ नया खुरापति जैसे दिमाग चलता रहता है, ओके। जिस फील्ड में व्यापार करना है, मान लीजिए कि एक वेल्डर, मान लीजिए कि डीजल मैकेनिक या डीजल जो ट्रेड होता है मैकेनिक ट्रेड होता है ना, उसने ट्रेड किया ITI से, तो वो क्या कर सकता है देखेंगे, इस फील्ड में बाजार एवं कंपनी का ट्रेनिंग लेकर के स्वयं का व्यवसाय खोल सकता है। मान लीजिए कि एक लड़का जिसने ITI में ट्रेनिंग किया है वेल्डर का, तो उसने वेल्डिंग मशीन अपने तहसील लेवल पे खोल लिया है, क्योंकि उस क्षेत्र में उसकी मांग भी थी, अच्छा प्रशिक्षण लिया, टेक्निकल नॉलेज उसके पास में, इंडस्ट्री पे भी गया है, इंडस्ट्री में अच्छा काम किया है, तकनीकी सीख क्या है, एडवांस तकनीक वो भी सीख क्या है, उसने अपने क्षेत्र में दुकान खोल लिया या वर्कशॉप खोल लिया, ठीक इसी प्रकार जो गैराज होता है ना, कंपनी में गया, कंपनी में ज्वाइन किया, पूरा फिटिंग और पूरा असेंबलिंग ये सब कुछ करना वो सीखा बढ़िया तरीके से, उसने अपने जगह पे खोल लिया, तो ये व्यवसाय स्वयं का वो भी खोल सकता है। अब तो सरकार जो है उसने भी प्रोत्साहन दिया है, मोटिवेशन दिया है, एनकरेजमेंट दिया है कि कैसे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम रन चल रहा है हमारे यहाँ पे, ओके, स्टैंडअप इंडिया, जो स्टैंडअप इंडिया ये दोनों प्रोग्राम चल रहे हैं, और योजना, ओके, तो ये जो मुद्रा है, तो मुद्रा स्कीम के तहत ये यहाँ पे हमें लोन मिल जाता है। अब लोन कैसे कहाँ मिलेगा, लोन की भी व्यवस्था ITI के स्तर पर किया जाता है, ओके, इसलिए ITI करना चाहिए आपको कि लोन भी आपको आसानी से मिल जाता है सर्टिफिकेट पर, बाकी जो सर्टिफिकेट होते हैं वहाँ पर लोन आपको उतने आसानी से नहीं मिलता, तो ITI करने के बाद आप
लोन के लिए भी योग्य बन जाते हैं, तो इसी का विशेष ध्यान रखें। DIC डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर 1977 में इसकी स्थापना सभी जगह पर हुई थी। ओके, जो जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र होता है हर जिले में इसकी स्थापना की गई है, है ना। तो यहाँ से आपको लोन लेने की जो एक प्रक्रिया है, क्योंकि जो आप उद्योग के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको लोन की जो एक बाधाएं थी वो दूर हो जाएगी। इसके आगे देखिए कौन कौन सी हमारे पास सुविधाएँ जो हैं, RRB नाबार्ड बैंक, ओके RRB नाबार्ड बैंक, PSU बैंक वही है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, है ना। जो बैंक है जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक है, SBI बैंक है, वो भी तैयार रहती है ऐसे छात्रों को, स्टूडेंट्स को लोन देने के लिए। IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये जो बैंक है इनका भी कार्य यही होता है कि ऐसे छात्रों को जो उद्योग और व्यवसाय में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लोन चाहिए अगर उनको तो वो लोन लेंगे। एक योजना है आपको प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बोर्ड से, ओके। हालांकि राज्य स्तर पर भी बहुत सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं, है ना। तो राज्य स्तर पर जो कार्यक्रम चलते हैं इसके सामने 2008 में हुई थी। एक केवल इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, इसका याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक चीज़ ये हो गई, आगे चलें। उच्च शिक्षा में प्लान करना, प्लान एक बड़ा मुद्दा है इंडिया में, चाहे गरीब का प्लान हो चाहे ब्रेन ड्रेन का प्लान हो, ओके। कई लड़के ITI करते फिर वो आगे की पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है। पहले ही समस्या थी कि ITI कर लिया तो हम तो यहीं तक सीमित रह जाएंगे, 2 साल हमारा बिगड़ जाएगा, आगे की पढ़ाई हम कैसे कर पाएंगे, हमें आगे बढ़ना है। तो इसका भी समाधान हो रहा है यहाँ पे, हल उच्च शिक्षा में प्लान करना। नॉन टेक में जा सकता है बंदा, CTI ATI इसके बारे में देखेंगे। लेटर एंट्री, आजकल लेटर एंट्री का बड़ा मुद्दा चल पड़ा है, UPSC MPPC में आप जाइएगा तो लेटर एंट्री का बड़ा सा मुद्दा चल पड़ा है, तो वो लेटर एंट्री के देखेंगे कि वो कैसा काम कर रहा है। ओके, आइए देखते हैं कि नॉन टेक BCOM बेचर ऑफ वोकेशनल, है ना, BA या फिर इसके अतिरिक्त जो भी है जो नॉन टेक वाला जो क्षेत्र है हमारा, है ना, जैसे कि तो वो वहाँ पे कैसे उनको एडमिशन मिल पाएगा क्योंकि इसने 2 साल का ट्रेड कर लिया है। कई बार छात्रों में भ्रांति होती है, कई बार माता पिताओं अभिभावकों में, है ना, पालकों में ये भ्रांति होती है, डाउट होता है कि कैसे एडमिशन ले पाएंगे हमारा लड़का अगर यहाँ से कर लिया गया तो, है ना, उनको ये भी डाउट होती है कि भैया इसके बाद तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो देखेंगे कैसे। NIOS, है ना, तो NIOS का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। ये ठीक वैसा ही है, आप उसको ऐसा समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय मुक्त जो विद्यालय होते हैं, है ना, विश्वविद्यालय होते हैं, जैसे कि मान लो राजा भोज यूनिवर्सिटी है, ओपन जो कॉलेज में आप करते हैं उसके बाद में आपको मान्यता प्राप्त डिग्री देता है। ठीक उसी प्रकार जब आप यहाँ पे आवेदन करते हैं ITI में एडमिशन लेने के बाद में, स्टेट बोर्ड जो होता है, राज्य सरकार जो बोर्ड होता है, उससे मान्यता प्राप्त होती है, है ना। तो ये वैलिड है आपका जो 12th क्लास का जो प्रमाण पत्र मिलता है ITI के आधार पे, तो ITI 12th की मान्यता प्राप्त आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। शर्त क्या है, यहाँ पे डाउट होता है अधिकतर लोगों को, कई बार जो नॉन इंजीनियर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ में रहता है कि साहब आपने तो बोला था पहले कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, 12th क्लास सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप फिर BCOM कर पाएंगे या फिर टेक्निकल में चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, देखिए शर्त ये बोलता है कि ITI में इंजीनियरिंग ट्रेड से 2 वर्ष की गई हो। जैसे इलेक्ट्रिशियन उदाहरण को आपको ये 2 साल का होता है, RSE 2 साल का होता है। अगर किसी भी विद्यार्थी ने 2 साल का 10th के बाद में किया है और उसने आवेदन दिया है स्टेट बोर्ड में, है ना, स्टेट बोर्ड भी मान्यता प्राप्त रहती है, तो वहाँ आवेदन देने के बाद में 12th क्लास का सर्टिफिकेट ले सकता है और उसी के आधार पे वो कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, चाहे वो टेक्निकल में जाना चाहता हो चाहे वो नॉन टेक्निकल जाना चाहता हो। तो यहाँ पर मेरा आपको बताने का मकसद ये था कि शर्त ये होना चाहिए कि वो इंजीनियरिंग ट्रेड का हो। आपको आपकी भलाई के लिए बताऊँ कि मैंने इसका भी एक वीडियो बना के रखा है जिसमें नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स क्या होता है, इंजीनियरिंग ट्रेड्स क्या होता है, आधुनिक ट्रेड्स क्या होता है, तो आप जरूर हमारे जो चैनल्स को में देखिएगा तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगी कुछ बारीक जो चीज़ें थी वो। तो ये चीज़ ये भ्रम होता है, आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। CTI ATI, तो ये CTI जो है क्लासमेंट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, ओके। तो वो चीज़ देखेंगे क्या है, अनुदेशक मतलब कि इंस्ट्रक्टर होता है, इंस्ट्रक्टर मतलब कि जो शिल्पकार होता है, मतलब शिल्पकार जो पढ़ाने वाला है, ओके। तो इंस्ट्रक्टर ITI में बन सकता है अगर किसी ने ITI करके रखा है, तो ये ITI में ऐसा इंस्ट्रक्टर ऐसा ट्रेनिंग ऑफिसर वो वहाँ नियुक्त हो सकता है, ज्वाइन हो सकता है आगे जाने। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, पहली बात तो ITI पास हो, या तो डिप्लोमा धारी हो वाला हो, या BTech धारी हो, या डिग्री धारी हो। तो ये तीनों ही व्यक्ति ITI में ऐसा इंस्ट्रक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं, ओके। ये CTI ATI कहाँ से होगी, जो CTI है ATI वो कहाँ से होगी, ये सेंटर होते हैं, ये एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ से होगी, राज्य स्तर की कुछ कुछ संस्थाने हैं, है ना, राज्य स्तर में जैसे कि आप हालांकि अब तो निजी संस्थानें भी आ गई हैं, अभी तक निजी संस्थानों का भी दौर चल पड़ा है।
तो राज्य स्तर पर आईटोर्स, आईटोर्स का देखिएगा फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स, ये भोपाल में, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो भोपाल में भी है ये, और भारत में लगभग लगभग 18 है। ओके, नहीं तो आप ये ना समझिएगा कि 18 सिर्फ मध्य प्रदेश में ही है, ये पूरे भारत में से गए बैंगलोर वगैरह है ना, तो वहाँ पर भी है। निजी राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थान हैं, ये सारी संस्थान जो CTI है ये और ATI है, ये राष्ट्रीय स्तर की संस्थान हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। और NSTI है ना, तो NSTI जो है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ये जो चीज़ है इसके बारे में हमने पहले के जो वीडियो है उसमें अच्छे से आपको समझाया कि महिला NSTI कौन सी होती है, सामान्य NSTI कौन सी होती है, कौन कौन से राज्य में है, कौन कौन से राज्य में नहीं है। ओके, तो एक चीज़ ये। आगे लेटर एंट्री, पार्श्व प्रवेश, ITI अगर किसी ने कर लिया है, मान लो कि एक लड़का जिसने इलेक्ट्रिशियन से 2 साल का ट्रेड किया है, वो ITI पास किया है, तो वो डिप्लोमा जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होता है वहाँ पे सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकता है। ओके, तो आपका ITI करने के बाद में आप सीधा जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद में अगर वही व्यक्ति ने पॉलिटेक्निक से 2 साल का 3 साल का जो है पूरा है ना रेगुलर, अगर उसने पॉलिटेक्निक किया है, डिप्लोमा किया है, तो सीधा सेकेंड ईयर में BTEC में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन ले सकता है। तो आप देखेंगे कहाँ तो ITI, कहाँ पर वो 10th क्लास में था, आज वो ITI करने के बाद में पॉलिटेक्निक में आ गया, पॉलिटेक्निक करने के बाद में वो इंजीनियरिंग में आ गया। ओके, और इंजीनियरिंग करने के बाद में MTEC में भी आ गया, वो MTEC करने के बाद में आगे जो चाहता है PhD करना है या फिर कुछ और रिसर्च पे जाना है तो वो उसके लिए भी ओपन है, राइट। तो ये जो था उसको आगे बढ़ने का, तो वो आगे बढ़ सकता है इस जरिए से, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। आगे चलते हैं, आप देखेंगे कि NCVT NSQL लेवल 5 नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क 5। ओके, ये क्या है, और ये DGT है ना, तो ये DTT गलत लिखा था, DGT डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग प्रशिक्षण निदेशालय है, तो ये प्रोग्राम चलाती है पूरा ITI का, राइट, ये कॉमन नॉलेज था। CTS क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, ओके CTS, अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि हम जो हमारे पास जो प्रोग्राम चलता है ITI का वो कैसा रहता है, ये देखिएगा। ITI प्रोग्राम IMC इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट काउंसिल, ठीक, दूसरा DST, जैसे आपको मैंने बताया था कि ITI इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो इंडस्ट्री के आधार पर आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, इसका संक्षिप्त परिचय दूँ, ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो ITI आ पाने में असक्षम है तो वो 6 महीना इंडस्ट्री में काम करेगा, उसका उससे जो भुगतान है वो मिलेगा, और 6 महीना ITI के अंदर जो थ्योरी क्लास है, जो सैद्धांतिक क्लास है, उसकी पढ़ाई करेगा। ओके, तो एक तरफ तो उसे इंडस्ट्री का ज्ञान हो रहा है, जो आपको मैंने शुरू बात भी किया था कि जो इंडस्ट्री का भी जो नॉलेज है वो मिलेगा, और सिद्धांतिक रूप से अगर उसको पढ़ना है तो ITI में शामिल हो जाएगा, तो एक ही स्थान पर दोनों कार्य हो रहे हैं, तो ये बड़ी बात है ना। CTS ये भी एक प्रोग्राम है, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम। ओके, क्राफ्ट्समैन मतलब होते हैं शिल्पकार, तो ये जो है शिल्पकार, आपको शिल्पकार बनाना है और उनको ट्रेनिंग दे करके बनाना है, ये स्कीम चलती है। वो स्कीम कैसे चलती है, ये स्कीम आ गई, आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि ये जो सर्टिफिकेट मिलने वाला है आपको ATC और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये आपको संस्थान से मिलेगा, वो संस्थान कौन सा रहेगा, आपका ITI रहेगा, ठीक। तो वो रहता है कि भाई सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा, उसके बाद फ़ायदा क्या होगा, तो ये चीज़ आपको मिल रही है। दूसरा आते हैं ATS अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, मतलब कि ये जो NCVT DGT है ये प्रोग्राम भी चलाती है ना, क्योंकि इंडस्ट्री में जो काम लगेगा ना, इंडस्ट्री में जो आवश्यकता है वो चीज़, तो ये जो ये स्कीम कहाँ से होगा, ये उद्योग से हो पाएगा है ना। तो ये जैसे मान लो किसी ने अप्रेंटिसशिप किया है, मान लो कि ये ATC है, इसने अप्रेंटिसशिप किया, तो उसको एक तो उद्योग जो इंडस्ट्री का है उसका भी हमें एक ज्ञान हो पाएगा, प्रायोगिक ज्ञान हो पाएगा। तो ये जो तीनों चीज़ें था, इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि ये पूरा आपने ITI किया, आपको CTS के बारे में मालूम पड़ा, आपको ITOTS के बारे में मालूम पड़ गया, आपको NSTI के बारे में मालूम पड़ गया, आपने देखा कि NIOS है वो क्या चीज़ है, आपने जब ITI में एडमिशन लिया था 10th के आधार पे तो आप MTEC और MEET तक चले गए इसी के आधार पे, सीढ़ी दर सीढ़ी, ठीक है। तो इसकी विशेषताएँ तो होगी कुछ ना कुछ, तो विशेषता देखें क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी विशेषताएँ ITI करने के बाद में किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होती हैं या कर सकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 ये ओपन कर सकते हो, अगर किसी ने किसी भी ट्रेड से ITI किया है तो ये ओपन करने में सक्षम है। ओके, कॉम्पिटेंट है वो।
वोकेशनल ट्रेनर, किसी भी व्यावसायिक संस्थान में आप ट्रेनर बन सकते हो, मास्टर ट्रेनर बन सकते हो, ये हो गया। कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हो, अगर किसी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग एसोसिएशन से किया है, कंप्यूटर हार्डवेयर से किया है, तो एक कंप्यूटर सेंटर वो ओपन कर सकता है एक रोजगार के तौर पर। दूसरा ITI ओपन कर सकता है ना। तो ये है, अगर किसी को लगता है कि हमें ITI ओपन करना है तो ITI भी ओपन कर सकता है। आगे चलें, व्यवसाय आरंभ कर सकता है। व्यवसाय आरंभ कैसे करेगा, ये उद्यमशीलता बनने के बाद में वो व्यवसाय आरंभ कर लेगा, तो ये बड़ी बात। ठेकेदार बन सकता है, अब सिविल का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, तो ये जो ठेकेदार ये बन सकता है। आने वाले समय में बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रिशियन जो ट्रेड होता है उसमें कौन कौन सी स्कोप हो सकते हैं। आप इसको ठीक ऐसा समझ सकते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रिशियन में जिस फील्ड में जा रहा है तो समझिएगा कि मैकेनिकल में करीब करीब उसी फील्ड में जा सकता है वो, ओके। क्योंकि जो फील्ड रहेगा, चाहे निजी क्षेत्र में चाहे वो शासकीय क्षेत्र में, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ओके। वर्कशॉप खोल सकता है, जैसे बताया आपको कोई वेल्डर का है या फिर कोई डीजल मैकेनिक से किया है, मोटर मैकेनिक से ITI कर रखा है, तो अपने स्वयं का वर्कशॉप प्रारंभ कर सकता है। या इलेक्ट्रिशियन किसी ने किया है तो वो वर्कशॉप मोटर वाइंडिंग रिपेयरिंग, होम अप्लायंस रिपेयरिंग करना है ना, घरेलू उपकरण सुधार सेवाई करना, तो वो वर्कशॉप ओपन कर सकता है। अब ढाबा खोलना, ये रोचक तथ्य ये है कि ढाबा भला कैसे खोलेगा। जैसे आपको पता है कि NSTI जो होता है, यहाँ पर फूड एंड बेवरेज है ना, ये है NSTI, फूड एंड बेवरेज, खान पान और अवभगत जो होता है, तो वो एक प्रोग्राम चलता है ना, तो उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति बेहतर प्रशिक्षण लेकर के अपना ढाबा रेस्टोरेंट इनका भी प्रारंभ कर सकता है। तो ये बड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। इसके आगे चलें, बुटीक, जो आम तौर पर शहरों में बुटीक का रंग रोगन आभूषण सौंदर्य जो प्रसाधन है, तो ये उसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो ये जो ITIs हैं, जो बताया इसके पहले मैं वीडियो में बताया था कि संभागीय ITI जो होते हैं, मॉडल ITI जो होते हैं, जिला लेवल की जो ITI होती है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्स होते हैं वहाँ संचालित किए जाते हैं, तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं, ओके। और ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है, जैसे बुटीक खोलने के बाद में व्यक्ति स्वयं घर बैठे ही अच्छा खासा अर्निंग या इनकम कर सकता है, एक चीज़। इससे बढ़कर बड़ी बात यह है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हो चुकी है ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शामिल, जो कौशल विकास है, ओके, जो स्किल डेवलपमेंट है उसको भी उन्होंने इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया। तो आप समझ पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा इसका स्कोप है ITI करने के बाद में, है ना, ये चीज़ था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये ट्रेड परिचय देना है, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा ITI का परिचय क्या होगा, है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय रेलवे कौशल विकास निगम, क्योंकि कौशल का ही हमें विकास करना है, तो ये एक चीज़ वहाँ पर। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल मतलब कि IIM होता है, IIT होता है, एम्स होता है, ठीक उसी प्रकार भारतीय कौशल संस्थानों का विकास किया है, मतलब कि स्थापना किया है। वो कहाँ कहाँ पर है, तो मुंबई में, कानपुर में, अहमदाबाद में। तो आप समझ पा रहे हैं कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इस रुचि दिखा करके कार्य कर रही है। तो आप मान सकते हैं कि ITI करना एक अच्छा अवसर हो सकता है, एक अच्छा आपका पास मौका हो सकता है कि ITI करने के बाद में क्या क्या लाभ है, ओके। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ITI करने में कोई डाउट होगा, है ना, ITI करने के बाद में रिग्रेट नहीं होगा। और जो प्रॉब्लम्स थी कि इसके बाद में क्या होगा, वो करने के बाद में क्या होगा, इससे तो ये नहीं हो पाता है, उससे तो वो नहीं हो पाता है, तो तमाम तरह के मुद्दों के ऊपर हमने आज चर्चा करी आपके समक्ष। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा ये प्रयास, ओके। आप फीडबैक दें, आप अपनी राय व्यक्त करें, ताकि हम इससे संबंधित और अच्छे वीडियो बना सकें, ओके। इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और ITI के चैनल पर बने रहें। थैंक यू वेरी मच।